नमस्कार दोस्तों, बी टाउन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सलमान खान की मूवी किसी का भाई किसी की जान ने पहले दिन उम्मीद से फीकी शुरुआत की, लेकिन दूसरे दिन ईद होने से फिल्म को ऐसा फायदा मिला कि कमाई देखकर सभी हैरान रह गए। रविवार के अनुमान कह रहे हैं कि तीसरे दिन भी फिल्म सॉलिड कमाई करने वाली है और पहले वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर एक लैंडमार्क पार कर सकती है। सलमान खान की ईद रिलीज मूवी किसी का भाई किसी की जान ने पहले दिन उम्मीद से कम कलेक्शन किया तो इंडस्ट्री का गला सूखने लगा, लेकिन दूसरे दिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 60% से ज्यादा का जंप मिला। रविवार को किसी का भाई किसी की जान का ट्रेंड बता रहा है कि शो शनिवार से ज्यादा भर रहे हैं। किसी का भाई किसी की जान मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दो दिन में ऑलमोस्ट 42 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है। वहीं फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 50 करोड़ से ज्यादा है। सलमान खान की मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही तगड़ी शुरुआत तो नहीं की है, मगर पहले दो दिनों में इनका ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन यानी विदेशों में टिकट बिकने से हुई कमाई 20 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है, जो यानी ये मूवी वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन ऑलमोस्ट 70 करोड़ पहुंच चुका है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये वीकेंड पर ये मूवी 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आगे ऐसे लेटेस्ट न्यूज जानने के लिए बी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।